हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा हब में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको बता दूं कि जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम बाइंड अप कर चुके हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था एरोसोल्स उसको हम बाइंड अप कर चुके हैं। तो गाइस, अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जान लेते हैं जो हम बार बार आगे यूज़ करेंगे, तो उन्हीं के टर्म के बारे में आज हम थोड़ा जान लेते हैं, उनकी जानकारी कर लेना अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो गाइस, आइए बात करते हैं हम सबसे पहले अपने टिंचर, एक हमारे टर्म है टिंचर के बारे में बात करते हैं कि टिंचर क्या होती है। जो हमारे टिंचर होते हैं गाइस, दे आर अ सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड क्रूड ड्रग। इसने क्या कहा, जो हमारा एलिक्सर्स टिंचर्स होता है उसको क्या यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं, उसको हम ऐसा सॉल्यूशन से प्रिपेयर करते हैं, और क्या करते हैं, जो हमारा API होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्रूड ड्रग से। उसको कहाँ से, क्रूड ड्रग से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे टिंचर होते हैं। उसने क्या कहा, ये अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। क्या कहा है इसने कि ये अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और क्या होते हैं, और जो हमारा सोल्यूबल कॉन्स्टेंट ऑफ क्रूड ड्रग, और जो हमारा API होगा वो कहाँ क्या होगा, वो क्रूड ड्रग से लिया गया होगा हमारा। जैसे कि उसको हमने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, तो जो हमारा टर्म होगा वो कहाँ से लिया गया, वो क्रूड ड्रग से लिया गया। इसने क्या था, कॉमनली कंटेंट ऑफ, इसने क्या, जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम इसमें 20-90% ऑफ अल्कोहल का यूज़ करते हैं हम उसमें, एज अ मेंस्ट्रम की तरह, में सोलवेंट की तरह उसमें हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को यूज़ करते हैं। तो फिर इसने बात की है कि मतलब जो हमारे टिंचर होते हैं उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जो टिंचर्स होते हैं गाइस, उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं और उसको इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। जो एक्सटर्नली में इसको यूज़ करते हैं गाइस, हम उसको अपने वाउंड्स वगैरह पे लगाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और इंटरनली में हम उसको भी इंटरनली यूज़ करते हैं। तो गाइस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास बेंजोइन टिंचर, जो क्या है, एक एग्जांपल है हमारे टिंचर का, बेंजोइन टिंचर। तो ये थी हमारी टिंचर की बात। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी एलिक्सर्स के बारे में बात करते हैं। एलिक्सर्स क्या होती है, एलिक्सर्स क्या होते हैं, ये हमारे जो एलिक्सर्स होते हैं ये भी क्या होती है, क्लियर लिक्विड और अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती है। ये भी क्या होती है, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती है, जिनके अंदर क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो पोटेंट नॉक्सियस होती है। इसने कहा, जो हमारी ड्रग होती है उसकी एफिनिटी होती है पोटेंट, ज़्यादा पावर की होती है, और क्या होता है, नॉक्सियस स्मेल होती है। मतलब नॉक्सियस का मतलब, जैसे कोई गार्बेज है हमारा, जब गार्बेज को सड़ जाता है तो उसके बाद जो स्मेल आती है उसी ऐसी इसी टाइप की स्मेल को नॉक्सियस स्मेल कहा गया है। तो ये है हमारी नॉक्सियस स्मेल होती है, एंड विच आर प्लीजेंट फ्लेवर्ड, जो क्या कहते हैं, इसमें हम प्लीजेंट फ्लेवर यूज़ करते हैं और यूजुअली अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ करते हैं। वो यूजुअली अट्रैक्टिव कलर और जो प्लीजेंट फ्लेवर होते हैं वो गाइस हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी नॉक्सियस स्मेल है उसको हम मास्क कर सके, उसको हम बाइंड कर सके, इसीलिए हम यूज़ करते हैं हमारे प्लीजेंट फ्लेवर का यूज़ करते हैं हम अपने एलिक्सर्स में। तो ये थी बात एलिक्सर्स की। और क्या कहा इसने, दे कंटेन पोटेंट ड्रग्स। इसने क्या कहा, जो हमारे एलिक्सर्स होते हैं उनके अंदर हमारी पोटेंट ड्रग होती है, जिसके अंदर हमारी एंटीबायोटिक्स आती है, एंटी हिस्टामिन्स आती है, और एंटी और सेडेटिव्स आती है, ये हम यूज़ करते हैं एलिक्सर्स में। तो गाइस, बात करते हैं एंटीबायोटिक और एंटी हिस्टामिन, ये क्या होती है, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक इज अ केमिकल एजेंट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ से मिलता है, जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, और जिसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट और किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, रिटार्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जैसे कि क्या टर्म ही इंडिकेट कर रही है यहाँ से हमारी, एंटी और हिस्टामिन। एंटी का मीन्स होता है किसी के विरोध में काम करना, अगेंस्ट में काम करना, उसको हम एंटी के हम एंटी से डिनोट करते हैं, और हिस्टामिन हमारा एक हार्मोन है। तो जो हमारी ड्रग यूज़ होती है अगेंस्ट अगेंस्ट हिस्टामिन, तो उनको हम एंटीहिस्टामिन कहते हैं, जो हमारा रिलीज होता है हमारे मास सेल से, वो उसको क्या कहते हैं, उसको एंटीहिस्टामिन ड्रग कहते हैं। अब बात करते हैं सेडेटिव्स के, सेडेटिव्स क्या होते हैं, सेडेटिव्स वो होते हैं जो हम अपने जो मेंटल डिसऑर्डर में जाता है उसको यूज़ करते हैं, सेडेटिव्स को यूज़ करते हैं मेंटल ऑर्डर में। तो एक डोज होती है जो हम यूज़ करते हैं, और जो कोज करते हैं थोड़ी सी सेडेशन कोज करते हैं, सेडेशन का मतलब थोड़ी डेजीनेस या थोड़ी स्लीप को इंड्यूस करती है, उसी को हम सेडेटिव्स कहते हैं। तो गाइस, जो हमारे एलिक्सर्स होते हैं, एलिक्सर्स को फर्दर क्लासीफाई किया है, दो टाइप में क्लासीफाई किया गया एलिक्सर्स को, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स और मेडिकेटेड एलिक्सर्स। इसने क्या कहा, जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे डज नॉट कंटेन मेडिकामेंट। उसने कहा उसके अंदर कोई मेडिकामेंट नहीं होता, और वो यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स कहते हैं। और फिर उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका हम, जैसे क्लोरफेनिरामाइन। क्लोरफेनिरामाइन मेलेट्स एलिक्सर्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं।
और नेक्स्ट है हमारा नो मेडिकेटेड एलिक्सर्स। जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ थेरेप्यूटिकल एजेंट, थेरेप्यूटिकल एक्शन पाने के लिए यूज करते हैं मेडिकेटेड एलिक्सर्स को यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है एरोमेटिक एलिक्सर्स, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एरोमेटिक एलिक्सर्स जो हमारा एग्जाम्पल है, किसका, मेडिकेटेड एलिक्सर्स का एग्जाम्पल है ये हमारा। तो गाइस ये बात थी, हमने एलिक्सर्स की बात की है, तो अब बात एलिक्सर्स के बारे में बात करते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो एलिक्सर्स को मेथड ऑफ प्रिपरेशन फोर टाइप से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एलिक्सर्स को। पहला मेथड होता है सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, दूसरा मेथड होता है इसमें आपका मैसिरेशन, मैसिरेशन प्रोसेस में आप उस किसी जो क्रूड ड्रग होगी उसको क्या करेंगे, उसको हम किसी सॉल्वेंट में, सफिशिएंट सॉल्वेंट में डाल के रखते हैं मिनिमम 7 डेज के लिए, उसको मैसिरेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर केमिकल प्रोसेस से यूज कर बना सकते हैं उसको हम, और फिर लास्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस आता है उसके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एलिक्सर्स को। तो ये बात थी हमारे एलिक्सर्स की। तो अब बात करते हैं स्प्रिट की, बात करते हैं जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे आगे काफ़ी तरह यूज़ होगी हमारे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी टर्म, ये है जो स्प्रिट टर्म है हमारी। तो जानते हैं स्प्रिट्स आर एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन। इसने क्या होता है स्प्रिट क्या होते हैं, एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन हैं ये भी। लेकिन जो हमारा एपीआई होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल इन नेचर होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, अगर उसको आप खुले में छोड़ दो इन्वायरमेंट में तो वो प्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या है वो वोलाटाइल इन नेचर होगा। उसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे हमने एल्को, यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारा इसका क्लोरोफॉर्म स्प्रिट, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट होगा जो हमारा, उसके अंदर हमारा जो एल्कोहल कंटेंट होगा कितना होगा इस, वो 83-87% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल कंटेंट होगा, तो वो क्या होगा हमारा, तो वो स्प्रिट कहलाएगा हमें। तो गाइज अब बात करते हैं हम प्रूफ स्पीड की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्रूफ स्पीड, उसके बारे में बात करते हैं। प्रूफ स्पीड क्या कहती है जानते हैं, ये क्या करती है, प्रूफ स्पीड इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और वाटर। इसने क्या, जो हमारी प्रूफ स्पीड है वो क्या है, एक मिक्सचर होता है एल्कोहल का और वाटर का मिक्सचर होता है, उसको हम प्रूफ स्पीड कहते हैं। क्या है वो प्रूफ स्पीड है, कितने डिग्री पर, विच एट 51 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है जो 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, तो इसने क्या कहा, विच वेयर्स 12/13 ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसने क्या कहा, इसके अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है 12/13 होता है, तो ये क्या हो, ये हमारे प्रूफ स्पीड हो गई। तो गाइस इसकी जो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है प्रूफ स्पीड की, उसको हम डिनोट करते हैं डिग्री में, डिनोट करते हैं हम उसकी स्ट्रेंथ को, किसकी, प्रूफ स्पीड की। जाना तो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी प्रूफ स्पीड की वो कितनी होती है, वो 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और 49.2% वेट बाय वेट क्या है हमारी, स्ट्रेंथ है हमारी प्रूफ स्पीड की। तो इसने क्या कहा, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के अनुसार क्या है, 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर ये क्या, इतना 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल है उसके अंदर, तो क्या होगा वो हमारा 100 प्रूफ कहलाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम 100 प्रूफ कहेंगे। तो गाइस यही बात थी हमारी प्रूफ स्पीड की। तो गाइस इसके अंदर फिर दो टर्म आती है, एक आती है ओवर प्रूफ और एक आती है अंडर प्रूफ। क्या, दो टर्म आती है ओवर प्रूफ एंड अंडर प्रूफ। तो गाइस इनकी बात क्या करते हैं, इनकी बात ये है कि अगर हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, एल्कोहलिक प्रिपरेशन है हमारे पास कोई, तो अगर उसने कहा है कि हमारी एल्कोहलिक प्रिपरेशन इतनी है, पता नहीं है कितनी, डिनोट नहीं किया उसने कि इतनी है, तो अगर हम उसको निकालना है कि उसकी एल्कोहलिक प्रिपरेशन कितनी है या कौन सी कैटेगरी में आती है, वो अंडर प्रूफ में आती है या ओवर प्रूफ में आती है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं आप, उसको ऐसे निकाल सकते हैं आप कि अगर उसने कहा कि हमारे पास समथिंग परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहलिक कंटेंट है, कोई भी एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, तो उसको क्या करें, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.753 से। कितना मल्टीप्लाई करेंगे उसको, आप जितना भी कंटेंट आपको दिया इतने परसेंट भाई आपके पास ये है, और उसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है 1.753 से, इसको मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है उसमें नेक्स्ट माइनस कर देना, डिडक्शन कर देना है उसमें 100 से। क्या करना है उसमें, उसको मल्टीप्लाई करना है उससे जो हमको दिया है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.753 से और माइनस कर देना है उसमें, डिडक्शन कर देना है 100 से। तो अगर हमारी जो टर्म आएगी, जो हमारी जो वैल्यू आएगी, अगर वो पॉजिटिव आती है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो जो हमारा कंटेंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा ओवर प्रूफ होगा। तो अगर वो टर्म माइनस आती है, माइनस में आती है, नेगेटिव आती है वो टर्म, तो वो कंटेंट हमारा अंडर प्रूफ होगा। तो गाइस यही बात है हमारी, इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं, इस मेथड से आप हमारी अपनी मेथड निकाल सकते हैं कि आपके पास जो कंटेंट है वो ओवर प्रूफ है या अंडर प्रूफ है, उसकी बात कर सकते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ न्यू टर्म्स की या कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन सजेस्ट, तो यू कैन कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज़।